गुड मॉर्निंग गाइस तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के के यानी कि 28 जुलाई करंट अफेयर्स को तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सिडबी के नए सीएमडी कौन बने हैं तो आंसर होगा मनोज मित्तल सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इसके सीएमडी नियुक्त किए गए हैं अभी मनोज मित्तल को देखो सिडबी की स्थापना होती है दो अप्रैल उन्नीस में इसका मुख्यालय जरूर याद रखना हेडक्वार्टर लखनऊ में मिलेगा और सीएमडी मनोज मित्तल है।, है अच्छा एक प्रश्न आपको दे रहा हूं मैं ये आपका होमवर्क प्रश्न रहेगा कि सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी हेड कौन है वर्तमान में ये आपको बताना है प्रश्न बाकी ऑप्शन में चलो के वी सुब्रमण्यम अभी हमने पढ़ा था फेडरल बैंक के एम डी बने रॉबर्ट जे रवि ये बी के सीएमडी बने और सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव बनी है तो ये नाम भी ध्यान में रखना और सिडबी के सीएमडी बन गए मनोज मित्तल ये भी याद रखना अभी अगला प्रश्न देखते हैं फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया तो आंसर होगा चंद्रयान थ्री मिशन को तो अभी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ ने चंद्रयान थ्री मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है क्योंकि आपको बताए चंद्रयान थ्री मिशन ये भारत का है और ये चांद के साउथ पोल पे उतरने वाला सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बना था चंद्रयान थ्री मिशन और इसी कारण से इसे अभी विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा कब और कहां पे तो इसे ये पुरस्कार 14 अक्टूबर 2024 को इटली के मिलान में होने वाले 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन में यह पुरस्कार दिया जाएगा अच्छा चंद्रयान थ्री से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताऊंगा अभी तक इससे संबंधित जो भी दो तीन प्रश्न एग्जाम में आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दो तीन पॉइंट और कि चंद्रयान थ्री मिशन को कुछ और पुरस्कार भी मिल चुके हैं जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही की चंद्रयान थ्री मिशन टीम को जॉन एल जॉन एल जैक स्विगर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था चंद्रयान थ्री की सफलता के लिए इसरो को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार भी मिला था और इसरो को चंद्रयान थ्री मिशन के लिए एविएशन वीक लॉरेट अवार्ड भी मिला था अब यहाँ पे तीन प्रश्न में आपसे पूछ रहा हूँ भारत का लक्ष्य क्या है मतलब कब तक का लक्ष्य है मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का क्या लक्ष्य रखा है उसके अलावा खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का हमारा लक्ष्य क्या है और चांद पर इंसानों को भेजने का लक्ष्य क्या है ये तीन प्रश्नों के उत्तर दो जब तक मैं आपको चंद्रयान थ्री के बारे में बताता हूँ फिर मैं उत्तर दूंगा इनके आपको देखो चंद्रयान थ्री को हमने लॉन्च किया था चौदह जुलाई दो को ये कब पहुंचा था वहां पर तेवीस अगस्त दो को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया था और इसीलिए तेवीस अगस्त को नेशनल स्पेस डे राष्ट्र अंतरिक्ष दिवस के रूप में हमने घोषित किया कहां से लॉन्च किया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से और किस रॉकेट से गया था एल वी एम थ्री एम फोर जिसे बाहुबली या फैट बॉय भी कहते हैं इसमें जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है पी वीर मुथवेल है और ये जो हमारा चंद्रयान थ्री मिशन है चांद के जिस पॉइंट पे ये लैंड किया था उसको हमने नाम दिया शिव शक्ति पॉइंट और वैसे तो कई बार यहां से प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं लेकिन दो स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट्स हैं तो इनके एग्जाम में पूछा गया था देखो प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछा गया और इनके पूछा गया था लॉन्चिंग डेट पूछा गया था तो ये ध्यान में रखना अभी तीन प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे कि भारत का लक्ष्य क्या है मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का हमने लक्ष्य रखा है 2030 का उसके अलावा 2035 तक खुद का हमें स्पेस स्टेशन बनाना है और 2040 तक चांद पर इंसानों को भेजने का हमारा लक्ष्य है तो ध्यान रखना ये अगला प्रश्न देखते हैं और आगे बढ़े उससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें बता दूं कि इनका पीडीएफ आपको कहां आपको कहां पर मिलेगा अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करना और डायरेक्ट क्रिक एग्जाम चैनल पे आप चले जाओगे टेलीग्राम पे और वहां पे उसको ज्वाइन कर लेना तो जैसे ही पीडीएफ अपलोड होता है या कोई भी वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे देनी है तो उसका डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ये इसका बेनिफिट है और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना देखो अभी आपने वीडियो को शायद लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं फिर अगला प्रश्न क्या है कि अभी वर्ष 2024 में क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये किस देश में होगा तो आंसर होगा भारत क्वाड ये चार देश इसमें शामिल हैं भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएसए और इसे क्यों बनाया उद्देश्य क्या है चीन को काउंटर करने के लिए इसे बनाया गया और क्वाड देशों के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है उसका नाम मालाबार एक्सरसाइज है तो याद रखना 2024 में क्वाड समिट को होस्ट कर रहा है कौन भारत पिछले साल 2023 में क्वाड समिट ये जापान में हुआ था जापान के हिरोशिमा में अच्छा इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स मैं आपको बताता हूँ जैसे कि अभी जी सेवन हुआ हुआ पे? इटली में और जी ट्वेंटी को होस्ट कर रहा है ब्राजील इस साल पिछली बार हमने किया था इस साल ब्राजील कर रहा है और पिछले साल इसमें एक नया मेंबर बन गया है जब हमने इसको होस्ट किया तो उस समय एक नया मेंबर बना था कौन अफ्रीकन यूनियन जिसका मुख्यालय एडिस अबाबा इथोपिया में है इस साल ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है रशिया और ब्रिक्स के इस बार पांच नए सदस्य देश, देश बने हैं कौन कौन से इजिप्ट इथोपिया ईरान सऊदी अरब और यू कौन सा देश सदस्य नहीं बना मतलब उसने रिजेक्ट कर दिया बनने को पहले हाँ बोला फिर मना कर दिया वो देश अर्जेंटीना है याद रखना ये प्रश्न दो बार एग्जाम में आ चुका है क्वाड समिट को भारत होस्ट कर रहा है 2024 में 2024 में कोप 29 का आयोजन होगा बाकू अजरबैजान में और पिछले साल जो कोप 28 का आयोजन हुआ था वो यूएई में हुआ था इस साल आशियान समिट को लाओस होस्ट कर रहा है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस समिट यह अभी कहाँ पे हुआ कजाकिस्तान में हुआ और शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पिछले साल हमने देखा था इसका नाइन्थ नंबर का सदस्य देश बना था ईरान अब आप मुझे बताओ इस साल इसका दसवा सदस्य देश कौन सा बन गया है और नाटो समिट 2024 में इसको होस्ट कर रहा है कौन अमेरिका अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में तो ये सारे इंपॉर्टेंट समिट से इनको ध्यान में रखना अगला प्रश्न देखते हैं फिर आपसे पूछ रहे हाल ही में किसे 2024 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया तो आंसर होगा भारत तो अभी भारत को 2024 के लिए एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करने और सहयोग करने के लिए बने अंतरराष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया है अब तक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस संगठन की कमान संभाल रहा था लेकिन अब इसकी कमान भारत के हाथ में आ गई है तो अभी थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक वहां पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो सदस्य है राजेंद्र सिंह उन्होंने इसके अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है तो सिंपल सा एक लाइन में आप याद रखेंगे कि किसे 2024 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया तो आंसर होगा भारत को अच्छा भारत और कई जगह न्यूज़ में भी था मैं आपको बताता हूँ एक तो 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के अभी अध्यक्षता और कौन सा सेशन है कौन सा एडिशन है फोर्टी नंबर का सेशन है इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है अभी नई दिल्ली में और 2024 में ही वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी ये भी भारत करेगा और 2025 में एफ हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप को होस्ट ये भी भारत करेगा और अभी भारत ने अभी मई 2024 में ही छियालीसवीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की भी मेजबानी की कोची केरल में और याद रखना वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन इसकी मेजबानी भी भारत करेगा गोवा में इस साल नवंबर में होगा ये तो इन सब कारण से भारत न्यूज में था इनको ध्यान में रखना अगला प्रश्न फिर आपसे पूछ रहे हाल ही में लॉन्च संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत कितने लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा तो आंसर होगा साढ़े सात लाख रुपए एक्चुअली में अभी बजट 2024 25 में हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी उन्होंने मॉडल कौशल कृषि योजना को संशोधित कर वापस शुरू करने की घोषणा की थी यह बजट अभी तेवीस जुलाई को आया था और उसके दो दिन बाद यानी कि 25 जुलाई 2024 को ही कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी उन्होंने संशोधित आदर्श कौशल ऋण योजना को शुरू कर दिया वैसे इस योजना की शुरुआत 2014 में स्किल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ने की थी इसमें स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज के लिए लोन दिया जाता है पहले लोन डेढ़ लाख रुपए का दिया जाता था लेकिन अब इसे बढ़ा करके साढ़े सात लाख रुपए कर दिया गया तो यही इसमें संशोधन किया गया है तो इस योजना के द्वारा हर साल देश भर पच्चीस हजार युवाओं को शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के अवसर प्रदान किए जाएंगे अगर एक लाइन में बोलूं, तो इसका उद्देश्य है कम आय वाले कम इनकम वाले युवाओं को स्पेशल स्किल्स कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए फाइनेंशियल हेल्प करना और कितने की हेल्प की जाएगी हमने देखा साढ़े सात लाख रुपए तक की तो यह है संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना चलो आओ इसी बात पे कुछ और इम्पोर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अगर पूछे मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को किसने शुरू किया उड़ीसा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना को छत्तीसगढ़ ने शुरू किया मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को बिहार ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना को असम ने युवा मितान परिवहन योजना को छत्तीसगढ़ ने अबुआ अबुआबेर दिशोम योजना को झारखंड ने अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की थी लेक लाड़की योजना को महाराष्ट्र ने और एक लाडला भाव योजना भी अभी महाराष्ट्र ने शुरू की थी याद रखना और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना इसको हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया था इंपॉर्टेंट पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहां कहा स्थापित करने की घोषणा हुई है तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तो भारत में पहली इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी शुरू हुई है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में और इसके लिए हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं सर्वानंदा सोनेवाल जी उन्होंने 284.19 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं ये सुविधा ये फैसिलिटी पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए विकसित की जाएगी तो अब निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट किए जाने वाले कृषि उत्पादों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा इस सुविधा से इस फैसिलिटी से गैर बासमती चावल मक्का मसाले प्याज और गेहूं के साथ ही मांस और समुद्री उत्पादों के एक्सपोर्ट को फायदा मिलेगा बंदरगाह पर और बंदरगाह पर यानी कि पोर्ट पर 1800 टन फ्रोजन स्टोर और अट्ठावन टन कोल्ड स्टोरेज में बढ़ोतरी होगी तो ध्यान रख, ध्यान रखना क्या है प्रश्न की भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा ये कहां पर स्थापित की जाएगी तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है मुंबई में इसी तरह से कुछ और पोर्ट में आपको बताऊं जो न्यूज में रहे जैसे कि गोपालपुर पोर्ट आपको उड़ीसा में मिलेगा मुंद्रा पोर्ट गुजरात में हरपा पोर्ट इज़राइल में और हाजीरा पोर्ट गुजरात में धामरा पोर्ट उड़ीसा में चाबाहार पोर्ट ये ईरान में है भारत ने बनाया ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है चाइना ने बनाया दुक्कम पोर्ट ओमान में है कांडला पोर्ट गुजरात में है जैसे नाम इसका अब दीनदयाल पोर्ट हो गया है और विजिंगम पोर्ट ये इंपॉर्टेंट है ये आपको मिलेगा केरल में ये भी नया बना है और ये भी अडानी के पास चला गया है अडानी संचालित कर रहा है इसको ध्यान रखना अगला प्रश्न देखते हैं फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में भुगतान ऐप जिसका नाम है Next और संचालित है नेक्स्ट और संचालित इसको किसने लॉन्च किया है तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक तो एआई संचालित वी यानी कि वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर को लॉन्च किया है तो आपको बैंक से रिलेटेड जो भी सर्विसेज के बारे में जानना हो उसकी जानकारी आपको

हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है और एमडीसीओ देवदत्त चंद है और इसकी टैगलाइन क्या होती है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक बाकी एच बैंक से याद आएगा लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक है ये पंजाब नेशनल बैंक अभी इसने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया था और आईसीआईसीआई बैंक ने विदेश जाने वाले छात्रों के लिए स्टूडेंट सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया था आपको याद होगा हमने पढ़ा था तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी अगला प्रश्न देखते हैं फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में चर्चा में रहा एप्सिलॉन लॉन इंडी एब का संबंध किससे है क्या यह है क्या तो आंसर होगा एक्सो प्लेनेट है तो अभी नासा ने हमारे सूर्य के समान एक तारे की परिक्रमा करने वाले एक विशाल ग्रह की पहचान की है और इसका नाम रखा है एप्सिलॉन इंडी एब ये एक एक्सो प्लेनेट है और इसे नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजा है ये पृथ्वी से बारह प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूरी पर स्थित है एक्सो प्लेनेट क्या होता है मतलब हमारे सोर मंडल से बाहर का अगर कोई ग्रह है तो हम उसे एक्सो प्लेनेट कहते हैं प्रकाश वर्ष लाइट ईयर ये, ये दूरी की इकाई है डिस्टेंस की एक यूनिट है ये वैसे दूरी की सबसे बड़ी इकाई ये पारसेक होती है और एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं अच्छा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूं जिसमें हम देखेंगे कि कुछ उपग्रह हैं उनको लॉन्च किया गया था किस रॉकेट से किस अंतरिक्ष यान से जैसे कि एन वी एस जीरो वन उपग्रह को लॉन्च किया था जी एस एल वी एफ टूल्व से और अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जीरो सेवन जानूस जीरो वन और आजादी सेट टू इसको एस एस एल वी डी टू से लॉन्च किया था यह भारत का सबसे छोटा रॉकेट है बाकी आई एन एस टू बी सैटेलाइट ये भूटान का है इसको पी एस एल वी सी चौवन से लॉन्च किया था सिंगापुर का जो सैटेलाइट है टेलियोस टू इसको पी एस एल वी सी पचपन से सिंगापुर का ही फिर एक और है डी एस एस ए आर सेटेलाइट इसको पी एस एल वी छी छप्पन से आदित्य एलवन जो हमारा पहला सूर्य मिशन है इसको पी एस एल वी सी सत्तावन से लॉन्च किया था अभी एक्सपो सेट को हमने पी एस एल वी सी अट्ठावन से लॉन्च किया था और इनसेट सेट थ्री डी एस उपग्रह को जी एस एल वी एफ फोर्टीन से लॉन्च किया था तो ये भी ध्यान में रखना अगला प्रश्न देखते हैं फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस ये कब मनाया गया तो आंसर होगा 26 छब्बीस जुलाई को तो 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत के सम्मान में हर साल हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं तो कारगिल युद्ध ये 8 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 के बीच में भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़ा गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और पाकिस्तान के नवाज शरीफ और इस बार कारगिल दिवस की पच्चीसवीं वर्षगांठ है तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कारगिल से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है तो आंसर होगा ऑपरेशन विजय और यहीं पे इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी घुसपेटियों के कब्जे वाली चौकियों पर बमबारी करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था तो वो ऑपरेशन सफेद सागर है ये भी याद रखना वैसे कारगिल युद्ध के बाद भारत सरकार के द्वारा गठित कारगिल समीक्षा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था तो के सुब्रमण्यम को यह प्रश्न भी याद रखना तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको क्वेश्चन uh, आंसर की फॉर्मेट भी बता दिया इनको ध्यान में रखना बाकी चलो जुलाई के एक बार सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं तो एक जुलाई को तीन डे मनाए थे नेशनल डॉक्टर डे जीएसटी डे और नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे दो जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे खेल पत्रकार दिवस और वर्ल्ड यूएफओ डे तीन जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे छ जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस छः जुलाई को वर्ल्ड जुनोसिस डे दस जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस ग्यारह जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बारह जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस और वर्ल्ड पेपर बैग डे पंद्रह जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे सत्रह जुलाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस 20 जुलाई वर्ल्ड चेस डे और इंटरनेशनल मून डे 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस और वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया गया और तेईस जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे और चौबीस जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस इनकम टैक्स डे के रूप में मनाया गया तो ये जुलाई के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज इनको ध्यान में रखना अगला प्रश्न देखते हैं फिर पूछ रहे अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच सांस्कृतिक परिसंपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए पहला द्विपक्षीय समझौता हुआ तो तो आंसर होगा अमेरिका अमेरिका अभी भारत और अमेरिका ने सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए पहले द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए तो इस समझौते में चोरी की गई भारतीय प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी को रोकना भी शामिल है दो में जब पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे तब भारत को दो सौ प्राचीन वस्तुएं वापस की गई थी और आगे आने वाले समय में अमेरिका से 297 नाइन सेवन पुरावशेष हम और लेकर के आएंगे तो इस समझौते से चोरी हुई प्राचीन वस्तुओं को लौटाने की प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी अच्छा आप तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो सिंपल सा कि अमेरिका में भी भारत के नए राजदूत एम्बेसडर कौन बने थे तो इनका नाम याद रखना विनय मोहन क्वात्रा इनका नाम है तो गाइज ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स की क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास ये सेशन आपको कैसा लगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर भी कर दीजिए चलो जब तक मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक करा दूं, फिर हम सेशन करेंगे तो यहां पे हम 27 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो पहला प्रश्न पूछा किस राज्य के मोईदाम को भारत का तेयलिस यूनेस्को विरासत स्थल घोषित किया गया तो आंसर होगा असम फिर पूछा दो हजार ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा अमेरिका विश्व मस्तिष्क दिवस बाईस जुलाई को मनाया और किसने अपोफिस शुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए रामसेस मिशन शुरू करने की घोषणा की यूरोपियन स्पेस एजेंसी फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला रेसर बन गई अतिका मीर फिर पूछा पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय के द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए शाहरुख खान और भारत का पांच सौवा सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 पॉइंट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ आइजोल में मिजोरम की कैपिटल है फिर पूछा 2030 के जो विंटर ओलंपिक हैं वो होंगे कहाँ पे फ्रांस में फिर पूछा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में फिर से किसे चुना गया तो आंसर होगा नीता अंबानी और आखिरी प्रश्न पूछा कि संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को अभी आतंकी संगठन घोषित करने वाले विधेयक को किसने मंजूरी दी तो आंसर होगा इसराइल तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी हम देखते हैं और सेशन एंड करते हैं तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी हाल ही में लॉन्च पुस्तक जस्ट अ नर इसको किसने लिखा है तो आंसर होगा डी सुब्बाराव आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया आप ये राज का आपका होमवर्क प्रश्न